لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. सर दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, सर दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे, जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे, जो शऊर को जगाए जो शऊर को जगाए उसे आप क्या कहें, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, शब रोज दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, शब रोज दुश्मनों को जो दुआ से नवाज़े,
जो सितम पे मुस्कुराए, जो सितम पे मुस्कुराए उसे आप क्या कहेंगे। सर तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। जो खता माफ कर दे वो खुदा इलम यज़ल है, जो खता माफ कर दे वो खुदा इलम यज़ल है, जो खता बख्शवाए, जो खता बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे। सर तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। कोई उसकी अजमतों की न मिसाल, मिसाल है न होगी। जो खुदा से मिल के आए, जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे। सर तूर कोई जाए उसे क्या कहेंगे। सर तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: مخلصين له الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، صدق الله العظيم. احترم دوستو بھائیو اور بزرگو، حسن نیت ये ऐसी चीज़ है जो इंसान के अमल के अजर को कई गुना बढ़ा देती है। और ख़ुदा ना खास्ता अगर यही नियत फासिद हो, ख़राब हो, तो ये पहाड़ जैसे अमल को भी बिल्कुल हवा मंसूरा कर देती है और बिल्कुल ज़ाया कर देती है।
जब इंसान की नियत में इखलास होता है, अल्लाह पाक अमल को कबूल फरमा लेते हैं और हुस्न नियत और मुखलिस इंसान को अल्लाह पाक कबूलियत से नवाजते हैं और ऐसे इंसान का फैज़ अल्लाह पाक जारी फरमा देते हैं। तो याद रखें कि नियत का हमारे आमाल में बहुत बड़ा दखल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नियत खुदा न खास्ता अगर ख़राब है या किसी अमल में अगर रियाकारी आ जाए, दिखलावा आ जाए, सुमा हो, शोहरत हो, इंसान का ये अमल बर्बाद हो जाता है। इस अमल की अल्लाह पाक के यहाँ रत्ती बराबर भी हैसियत बाकी नहीं रहती। तो मालूम हुआ कि नियत के बदलने से अमल की हैसियत बदल जाती है और इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि इंसान जो भी अमल करे पहले अपने नियत का जायज़ा ले लें। दीन किस का नाम है? हज़रत डॉक्टर अब्दुल हय आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन ज़ाविये निगाह के बदलने का नाम है। जो भी अमल इंसान कर रहा है उसमें अपनी नियत को दुरुस्त कर ले। इसका फ़ायदा और इसकी बरकत क्या है कि इंसान अगर कोई आम काम भी कर रहा है वो भी इंसान के लिए इबादत बन जाती है। जैसे तिजारत करनी है, इंसान तिजारत कर रहा है, कोई और अमल कर रहा है, अगर इसमें इंसान ये नियत कर ले कि भाई मेरा मकसद हलाल रिज़्क कमाना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हलाल कमाने का और खाने का हुक्म फरमाया है, हराम से बचने का हुक्म दिया है, वरना हर इंसान ने अपने पेट को पालना है, अपने लिए असबाब पैदा करने, अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन अगर कोई ये नियत कर ले कि मैं जो तिजारत कर रहा हूँ, मैं सुबह मुलाजिमत पे जा रहा हूँ या जिस पेशे से वाबस्ता हूँ, इसका मकसद क्या है कि अल्लाह पाक और हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल हो जाए। अब देखिए यहाँ नियत बदल गई, ज़ाविया निगाह बदल गया, तो ये तिजारत, ये मुलाजिमत, ये काम, ये धंधा, ये इंसान के लिए इबादत बन जाता है। सोना हर इंसान ने, लेकिन अगर कोई इंसान सोते हुए नियत कर ले कि मैं सो रहा हूँ ताकि ताज़ा दम होकर फिर अल्लाह पाक की इबादत करूँगा, ये सोना भी इसके लिए इबादत बन जाता है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इंसान अगर अपनी नियत को दुरुस्त कर ले, इंसान का हर अमल इसके लिए इबादत का दर्जा पा लेता है और इबादत बन जाता है। और जिस बंदे में इखलास होता है, हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि मुखलिस बंदे का काम अल्लाह पाक की मदद से होता है। जो बंदा मुखलिस होता है, यानी मुखलिस से मुराद क्या है कि इंसान जो भी अमल कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए करे। इखलास इसी को कहते हैं कि जो भी अमल करना है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और रियाकारी, शिर्क इसी को कहते हैं ना, कि मकसद ये है कि रिया को क्यों कहा गया शिर्क, कि ये भी शिर्क खफ़ी है कि इंसान दिखलाता है मखलूक को जो अमल कर रहा है, चाहे वो इबादत है, चाहे वो इन्फाक है, कोई भी अमल है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नियत ये हुई कि मेरे ये अमल फलां बंदा देख ले, लोग देख ले, लोग इस पर मुत्तले हो जाए, तो ये रियाकारी कहलाती है। और जब ये रियाकारी हुई तो ये अमल अल्लाह पाक के लिए तो नहीं हुआ, ये तो मखलूक के लिए हुआ, तो अल्लाह पाक के यहाँ ऐसा अमल मकबूल नहीं होता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और जो बंदा मुखलिस होता है उसके साथ अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल होती है। ठीक है ना, जो बंदे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करते हैं, जो भी अमल हो, कोई दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, अल्लाह पाक की ख़ास मदद और नुसरत उनके साथ शामिल होती है। इसी तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि मुखलिस बंदे के काम अल्लाह पाक रुकने नहीं देता। ये इखलास इतना बड़ा अमल है, इसकी इतनी बरकत है कि जब मुखलिस बंदा किसी काम की नियत करता है, कोई इरादा उसका होता है, अल्लाह पाक उसका वो काम करवा देता है। गैबी असबाब अल्लाह पाक मुहैया फरमा देते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर नियत फासिद हो, बदनीयती हो, दिल में बुरी नियत हो,
ऐसे शख्स के काम में रुकावटें पैदा होती हैं। ये बहुत हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है यहाँ कामयाबी हासिल कर लूँ, ये काम कर लूँ, लेकिन चूंकि इसकी नीयत सही नहीं होती, या तो मखलूक को दिखाना मकसूद होता है, या किसी से मुकाबला करना मकसूद होता है, या किसी की मुखालिफत में वो काम करना मकसूद होता है, तो ऐसे शख्स चूँकि उसकी नीयत फासिद होती है, और ज़ाहिरी बात है इंसान का मामला अल्लाह पाक के साथ होता है, अल्लाह पाक इंसान की नीयतों को देखते हैं, अल्लाह पाक तो दिल के हालतों को देखते हैं, अल्लाह पाक ज़ाहिरी सूरतों को नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुअरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, हदीस में आता है। अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल व सूरतों को और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता, अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों की हालत को और तुम्हारे अमाल को देखता है। इसकी नीयत कैसी है बंदे की? तो जो बंदा हुस्न नीयत रखता है, उसकी नीयत साफ हो, ऐसे शख्स के काम अल्लाह पाक बनाता है। जिस काम में हाथ डालता है तरक्की हासिल करता है, जो नीयत करता है अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है। लेकिन खुदा ना खास्ता जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर नीयत में फसाद है, अब ये फसाद किसी भी वजह से है, दिखलावे की वजह से है, मुकाबलतन है, या किसी की मुखालिफत में है, तो फिर ऐसे शख्स के मामलात ये ख़राब हो जाते हैं। तो इंसान छोटे से छोटा अमल करें, बड़े से बड़ा अमल करे, वो अल्लाह की रज़ा के लिए। सहाबा इकराम के अमल क्यों इतने वज़नी थे कि उनका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए, हर अमल, जिहाद है, दावत है, कोई भी अमल है, वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होता था। वो रियाकारी, शोहरत, तारीफ, खुदपसंदी के जज्बे से पाक होता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया आप हज़रत ने सुना होगा, मैदान जंग में एक काफिर को पिछाड़ लिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और खंजर निकालने लगे ताकि उसको ज़िबह कर दें। तो जब उसने कोई और सूरत नहीं देखी कि चले भाई अब तो मौत है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके सीने से उतर गए, उसको छोड़ दिया। किसी ने पूछा, हज़रत आपने ऐसा अमल क्यों किया? ये तो ज़्यादा इस सज़ा का मज़ीद मुस्ताहिक था कि फ़ौरन इसका गला काट दिया जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर रहा था मैदान जिहाद में, लेकिन जब इसने मेरे चेहरे पर थूक दिया, फिर इसके बाद मेरे नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया। अब मैं अगर करता, ये मेरी ज़ात के लिए इंतकाम होता जो मैं नहीं लेना चाहता था, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मारना चाहता था, तो इसमें मेरे नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। सहाबा का इखलास देखे किस मकाम पे था। इसीलिए सहाबा इकराम के अमाल अल्लाह पाक के यहाँ बड़े वज़नी, बड़े कीमती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में एक शहज़ादे को लाया गया गिरफ़्तार करके, दुश्मन था, गिरफ़्तार करके लाया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया। उस शहज़ादे ने एक दरख्वास्त की कि मेरी एक ख्वाहिश है, वो आप पूरी कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है, कब पहले आप ये वादा करें जब तक मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है, कहा मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, पानी लाया गया। उसने वो पानी लेकर पीने के बजाय गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखे भाई आपने वादा किया था, मैंने ये पानी पिया ही नहीं है, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। इंतहाई मतलूब मुजरिम से होता ना, एक आदमी इंतहाई मतलूब मुजरिम है, मोस्ट वांटेड है जिसे कहा जाता है, कत्ल का मुस्तहिक है, बाकी मुजरिम है, लेकिन इसने हीला इख्तियार किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, मैं अपने वादे की पासदारी करूँगा। उसको छोड़ दिया तो वो आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। किसी ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता था, कलमा पढ़ना चाहता था, लेकिन अगर उस वक्त मैं कलमा पढ़ता, लोग कहते हैं मौत से डर गया और मौत के खौफ से कलमा पढ़ना चाहता है, तो मैं चाहता था कोई ऐसा अमल कर लूँ कि जिसकी वजह से मुझे मौका मिल जाए
और मैं ईमान ले आऊँ। तो हमारी इस्लामी तारीख, सहाबे इकराम की तारीख आप उठा कर देख लें कि हर अमल में अल्लाह पाक की रज़ा की नियत होती थी, कोई काम ज़ात के लिए नहीं होता था। और इसी तरह एक वाक़या लिखा है, आप हज़रात ने पहले भी शायद सुना हो कि एक बुज़ुर्ग थे किसी इलाके में, उनके ज़माने में जो बादशाह था वो फिस्क व फजूर में मुब्तला था। उसने एक मरतबा हुक्म दिया शराब के दरामद करने का, शराब इम्पोर्ट की, और एक बड़ी किश्ती में उसकी शराब के मटके आए किसी दूसरे मुल्क से। इस बुज़ुर्ग को मालूम हुआ कि हमारे इलाके में शराब लाई जा रही है, को गुस्सा आया, गए और डंडा लेकर शराब के मटकों को तोड़ना शुरू कर दिया। जिस तरह अमर बिल मारूफ हमारे दीन का हुक्म है, इसी तरीके से नहीं अनिल मुनकर भी हमारे दीन का हिस्सा है, एक नहीं है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जाकर उस शराब के मटकों को तोड़ना शुरू कर दिया। 100 मटके थे, जब 99 मटके तोड़ चुके, एक रह गया तो इन्होंने छोड़ दिया। किसी ने कहा, भाई जब सारे ही तोड़ने थे, एक रह गया तो उसको क्यों छोड़ दिया आपने? कहा कि मैंने जब ये 99 मटके तोड़ दिए तो मेरे नफ्स में एक उजुब पैदा हुआ और मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि तुमने तो आज ज़बरदस्त काम किया है, तुमने बादशाह के मंगवाए हुए शराब के मटके तोड़ दिए, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो एक रहता था, मैंने फ़ौरन छोड़ दिया कि कहीं ये अमल मेरे नफ्स के लिए ना हो जाए, मेरी ज़ात के लिए ना हो जाए। तो ये हज़रात हर वक्त अपनी नियत के इस्लाह की फ़िक्र में रहते थे, अपने नियत को फ़ौरन सही करते थे। हदीस मुबारक में आता है ना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलकय्यसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बाद अलमौत। अक्लमंद इंसान की निशानी क्या है? मन दान नफ्सहु, जो अपने नफ्स को पहचान ले। ये नफ्स और शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, ये नफ्स इंसान को धोखा देता है। और नफ्स चाहता है कि ये अमल तो बंदे ने कर लिया, अब इस अमल को ख़राब कैसे करना है, इसको ज़ाया कैसे करवाना है। तो बाज़ दफ़ा शोहरत का जज्बा दिल में, उजुब दिल में आ गया, तकब्बुर आ गया कि देखे मैं इतने सारे अफराद में, मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये बयान कर रहा हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैंने ये नेकी का अमल कर लिया, मैं इस काबिल हूँ कि देखे मैंने ये काम किया। शैतान इंसान को ये दिखाता है और फिर वो खुदा ना खास्ता दूसरों को हकीर समझने लगता है, अल्लाह पाक उस अमल को ज़ाया कर देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग और मुहद्दिस गुजरे हैं। इनके वालिद हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है कि ये एक बाग में मुलाजिम थे और बाग की रखवाली करते थे, निगरानी करते थे। एक मरतबा उस बाग का मालिक आया और इनके जो वालिद थे हज़रत मुबारक, उनसे कहा कि भाई जाओ मेरे लिए फ़लाँ दरख्त से फल तोड़ कर ले आओ। ये गए और फल तोड़ कर लाए, जब उन्होंने खाए तो वो कड़वे थे। कहा भाई दूसरे दरख्त से ले आओ, ये दूसरी जगह से लाए वो भी कड़वे, तीसरी जगह से लाए वो भी कड़वे। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें ये भी तमीज़ नहीं है कि कौन सा फल कड़वा है और कौन सा मीठा है? इन्होंने कहा भाई देखे, बात यह है कि मुझे 3 साल हो गए इस बाग में काम करने, आपने मुझे इसकी रखवाली के लिए रखा है, फल खाने के लिए नहीं रखा। मैंने आज तक इस बागीचे से एक फल तोड़ कर नहीं खाया। और फिर इन्हीं की औलाद में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो जब बड़े ऐसे अमानतदार, दियानतदार, मुत्तकी, पाकबाज होते हैं, फिर अल्लाह पाक औलादे भी ऐसे देते हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। इसी तरीके से इखलास की एक बरकत हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी है कि इखलास की वजह से अल्लाह पाक जोड़ पैदा फरमा देते हैं। जो इंसान अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करता है ना, कभी उसमें इख्तिलाफ़ पैदा नहीं होता, दिलों में कीना या नफ़रत उस बुनियाद पर पैदा नहीं होती, बल्कि जोड़ पैदा होता है। ये इखलास की बरकत होती है। आप हज़रात ने वाक़या सुना है इससे पहले भी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हर एक उनके नाम से वाकिफ़ होगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे।
दिल्ली में उनके मज़ार पे हमारी हाज़िरी भी हुई। ये सिमा के शौकीन थे। सिमा आप हजरात शायद समझते होंगे, हमारी मुरव्वजा जो आजकल ये कवाली वगैरह या इस तरह ये चीज़ें नहीं, सिमा अलग एक तगन्नी के साथ कुछ अशार पढ़े जाते हैं। सूफिया हजरात ये सुनते थे, उनका अपना एक मौक़िफ़ था कि ये अशार सुनते हैं, तो वो तगन्नी के साथ इस तरह के अशार सुनते थे। वो अशार भी मारिफत पर मौकूफ़ होते थे, इस तरह नहीं, लेकिन उस ज़माने के जो उलमा थे, साहिब शरीयत थे, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि भाई ये भी मुनासिब नहीं है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली, ये समा करते थे और मजलिस मुनाकिद करते थे, लेकिन वो आजकल की मुरव्वजा बिदआत और खुराफात से पाक होती थी, ये बात समझ लें। लेकिन उस वक्त के जो काजी उल कुजात थे, बड़े मुफ्ती थे, काजी ज़ियाउद्दीन सनामी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, वो इसके ख़िलाफ़ फतवा देते थे। तो इसीलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल को वो पसंद नहीं करते थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन मालूम हुआ कि शेख ज़ियाउद्दीन सनामी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस वक्त के बड़े काजी मुफ्ती है, वो बीमार है, मरज़ुल मौत में है, अपने बिस्तर पर है, आखिरी वक्त है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों समेत उनके इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। घर पर गए, दरवाज़ा कटकटाया, तो मालूम किया भाई कौन है। उनको बताया गया कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल चूँकि उनको मालूम था, तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे कहो कि मेरा आखिरी वक्त है और मैं आखिरी वक्त में किसी बिदाती का चेहरा नहीं देखना चाहता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम भेजा कि जाए हज़रत से कहे कि बिदाती अपनी बिदात से तौबा करने आया है, यानी ये मुखलिस हजरत थे। जाकर इनको बताया गया कि हज़रत फरमा रहे हैं कि भाई बिदाती अपनी बिदात से तौबा करने आया है। तो हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन सनामी रहमतुल्लाह अलैह उठकर बैठे, अपने सर का अमामा उतारा और कहा कि इसको रास्ते में बिछाओ और हज़रत से कहो कि इस अमामे के ऊपर चल कर आए। यानी इतना एहतराम था दिल में, यानी आपस में जो मामला था ये ज़ात के लिए नहीं था। आज तो हमारे इख्तिलाफात वो नफ्स ज़ात के लिए होते हैं। जब ये सुना तो अपने सर का अमामा उतारा, अपनी दस्तार, और कहा ये रास्ते में बिछाओ और हज़रत से कहें कि फ़र्श पर नहीं, इस अमामे पर अपने कदम रख कर आए। तो ये लोग थे। तो ये इखलास में अर्ज़ कर रहा था कि इखलास में अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत रखी है, इसकी बुनियाद पर दिलों में जोड़ पैदा होता है, नफ़रत पैदा नहीं होती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ़ लाए बैतुल्ला शरीफ या मस्जिद नबवी, तो देखा कि एक परनाला है और वो परनाले का पानी मस्जिद नबवी में गिरता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त मिजाज थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा ये परनाला किसका है, किसके घर का है। बताया गया कि ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगवाया है, उनके घर का है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन हुक्म दिया इस परनाले को तोड़ दिया जाए, इसका पानी मस्जिद में गिरता है। वो परनाला तोड़ दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया कि आपके घर का परनाला हज़रत उमर ने तोड़वा दिया है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा कि आपने क्यों तोड़वाया ये परनाला। कहा कि इस तरह पानी इसका गिरता है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया आपको मालूम है ये मैंने किसकी इजाज़त से लगाया था। कहा नहीं मालूम। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये परनाला मैंने हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इजाज़त से लगाया है, आपकी इजाज़त से मैंने लगाया है। अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अब ये परनाला दोबारा लगेगा, लेकिन ये इस तरह नहीं लगेगा। कहा कि मैं रुकू की हालत में होता हूँ और तुम मेरी कमर पर पीठ पर खड़े होकर ये परनाला लगाओगे। उमर की ये मजाल कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लगवाए हुए परनाले को तोड़वा दे, उन्होंने बहुत कहा कि मैं लगा दूंगा। कहा नहीं, मैं रुकू की हालत में हूँगा और मेरी कमर पर खड़े होकर अब तुम्हें यह परनाला लगाना है। ये हजरत इखलास की इंतहा पर थे, इनका कोई अमल ज़ात के लिए नहीं था। ऐसा मैंने हदीस शुरू में आप हजरात के सामने पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मन अहब्बा लिल्लाह
وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. یہ تکمیل ایمان اتنی آسان تو نہیں ہے نا کہ جو شخص محبت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے آپس میں. آج ہماری محبتیں مفادات پر مبنی ہے. کسی سے اگر کوئی مفاد وابستہ ہوا, کوئی مقصد نکالنا ہوا, تو بھئی اس سے بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے, بڑا تعلق بنانے لگے, اور اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو بھئی فوراً کیا اختلاف پیدا ہو گیا. کسی سے اگر بغض ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے. آج ہمارے اختلافات, بغض, نفرتیں یہ ذات کے لیے ہے. کسی کو اگر کچھ دینا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. آج ہم دیکھ لیں ہمارا لینا دینا کس کے لیے ہے, تو رسم و رواج بن چکا ہے یا کسی مقاصد کے تحت ہوتا ہے. اگر کسی سے کچھ روکنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. لیکن آج کیوں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی میں اس لیے نہیں دے رہا, اس نے بھی نہیں دیا, اس کو اس لیے کچھ نہیں دو کہ اس نے بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن جب یہ چار صفات انسان میں آتی ہے تو یاد رکھے فقد استکمل الایمان, فرمایا کہ پھر انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے, یہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اخلاص شرط ہے. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی خانقاہ میں, حضرت تھانوی کی خانقاہ میں بڑی سختیاں تھیں, پابندیاں تھیں, اصول تھے. آپ خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے تھے اصول کے قطعی طور پر, اور اگر کوئی اس طرح خلاف ورزی کرتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے نکلوا دیتے. دوسری طرف دیوبند میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلہ تھا ان کا, لیکن ان کے ہاں بڑی نرمی تھی, بہت شفقت تھی, اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ تھانہ بون میں مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی سختی کی ہے, معمولی معمولی بات پہ خانقاہ سے نکال دیتے ہیں, اور روک ٹوک ہے, سختی ہے. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ بڑی نرمی ہے, اور آپ کے ہاں تو بڑی شفقتیں محبتیں ہیں. دیکھیں نا بعض لوگ اس طرح یہ کردار ادا کرتے ہیں ہر زمانے میں کہ بھئی اس طرح کی بات کر لوں شاید ہو سکتا ہے یہ ان کے خلاف کوئی بات کر لے. آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں نا لوگ, شرارت مزاج, کہ ادھر کی ادھر ادھر ان کے سامنے جا کے ان کی تعریف, آپ کی ان کی برائی کرنا. اس طرح اب تو ہم جاتے ہیں بزرگوں کے درمیان بھی نزاع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں, وہاں تو ایسا ہو رہا ہے, وہاں یہ سختی ہے, ماشاءاللہ بھائی آئیں گے بھائی آپ کے مدرسے میں تو بڑی اچھی ہے, وہاں تو بڑی سختی ہے, وہاں تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ سختی ہے, آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کہ چلو ان کو خوش بھی کر دیں گے, اپنا کام بھی نکال لیں گے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ میری مثال تو کمپاؤڈر کی ہے, میں مرہم لگاتا ہوں زخم پہ, میری مثال کمپاؤڈر کی ہے. میرے پاس کوئی مریض آتا ہے تو میں اس کو مرہم لگاتا ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ مرہم لگانے میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, راحت ہوتی ہے. اور فرمایا حضرت تھانوی کی مثال تو سرجن کی ہے, وہ تو نشتر لگاتے ہیں, زخم کا علاج کرتے ہیں, تو اس لیے وہاں پر سختی ہے. تو کتنا دیکھیں ایک بہترین جواب دیا, اور اس سے آپس کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. اب اگر ہم ہو تو ہم بھی خوش ہو جائیں کہ واقعی آپ نے صحیح کہا, وہاں تو یہ غلط ہو رہا ہے, یہ اصول قوانین نہیں ہونے چاہیے, یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ حضرات مخلص تھے آپس میں, اللہ والے تھے, ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا. تو فرمائے کہ میری مثال تو مرہم لگانے والے کی طرح, اور مولانا اشرف علی تھانوی کی مثال وہ تو سرجن کی ہے, وہ علاج کرتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر فرمایا کہ حضرت اب بہت سخت ہے آپ کے متعلق, باہر یہ مشہور ہے کہ یہ قصائی ہے, قصائی بنے ہوئے. حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا جی ہاں صحیح کہا ہے, میرے پاس اگر کوئی گائے بیل بن کر آئے گا, جانور بن کر آئے گا, تو مجھے قصائی بننا پڑے گا, انسان بن کر آئے گا تو ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم پیر بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جو بڑا نرم مزاج ہو, میٹھی میٹھی باتیں کریں, مجھے میرے کسی عمل پر روکے ٹوکے نہیں. بیعت ہونا ہے تو میں معلوم کروں گا بھائی کون ایسے نرم مزاج ہے جو میرے کاروبار کا نہیں پوچھے کہ میں حلال ہے یا حرام ہے, جو میرے کام دھندے کا نہیں پوچھے کہ میں کیا کام کرتا ہوں, میرے معاملات میں کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے, اور جو مجھے کسی معاملے پر روکے ٹوکے نہیں, بس جہاں مزے ہی مزے ہوں.
ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج اس پیر کی خانقاہ میں کسی کا جہاز لنگر انداز نہیں ہوتا جہاں لنگر نہیں ہوتا. جس خانقاہ میں لنگر نہیں ہوتا نا تو وہاں مرید کا جہاز لنگر انداز نہیں ہوتا. آج ہم خانقاہ بھی ایسی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھائی کھانے ہو پینے ہو کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو کوئی اصلاح کی بات نہ ہو اصلاح معاشرت پر کوئی روک ٹوک نہ ہو. آج ہم اتنے یعنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں. اتنی آسانی آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ. جو بھی وہاں مسئلہ پوچھنا ہے تو بھائی کسی ایسے کے پاس جاؤں جو مجھے بہت نرمی اور ایسا بتائے کہ بھائی راستہ بتا دے. یہاں ہے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے, چلو بھائی فلاں مسجد چلتے ہیں فلاں دار الافتاء وہاں تو مل ہی جائے گا فتویٰ, وہاں نہیں ہوا تو چلو تیسری جگہ چلتے ہیں چلو چوتھی جگہ چلتے ہیں. مدرسے میں آج طالب علم کو داخلہ لینا ہے تو بھائی ایسا جاؤ کوئی اصول نہ ہو, کوئی پوچھنے والا ہو ہی نہیں, میں جو کروں کروں. مرید بننا ہے تو پیر ایسا دیکھنا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے ہی نہیں بس. آج ہم اتنے سہل پسند ہو چکے ہیں, اتنے سہولت پسند ہو چکے ہیں. مجھے میری غلطی پر کوئی ٹوکے ہی نہیں, بس میں یہ چاہتا ہوں میں جو کروں کروں شتر بے مہار کی طرح رہوں لیکن آج مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ان کا آداب المعاشرت پر زور بہت زیادہ تھا. فرماتے تھے کہ بھائی جو حضرت سے بیعت ہونے کے لیے آتے تو فرماتے دیکھو بھائی میری ایک بات یاد رکھو کہ میری خانقاہ میں اگر تم اس نیت سے آئے ہو کہ میں تمہیں بیعت کروں گا تو دیکھو بھائی مرید بننا تو بہت دور کی بات ہے, مولوی بننا تو بہت دور کی بات ہے, یہاں تو انسان پہلے بنایا جاتا ہے, پہلے انسان بن جاؤ پھر بعد میں جو ہے تم مرید بننا پیر بننا مولوی بننا. یہ آج آداب المعاشرت سے ہماری زندگی خالی ہے بالکل لیا. یہ جو معاشرتی آداب ہے نا یہ بہت ضروری ہے آج یہ سیکھنا. بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے, بولنے کا سلیقہ کیا ہے, چلنے کا سلیقہ کیا ہے, جوتے اتاریں گے تو اس کا سلیقہ کیا ہے, ہر چیز کا سلیقہ سیکھنا ہے. میں مسجد آ رہا ہوں میرے جوتے مٹی سے بھرے ہوئے لیکن اوپر سیڑھیوں پہ لا کے اتارنا ہے منو مٹی سمیت, یا پھر بالکل اندر لا کر وہ مٹی والے جوتے یہاں اندر رکھنے ہیں, شاید باہر چوری ہو جائیں گے چاہے مسجد مٹی سے بھر جائے. یہ آداب معاشرت ہے بھائیوں دوستو. پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور آج یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر اگر اس پر کوئی بات ہو تو پھر مجھے بری لگ رہی ہے کہ بھائی آداب معاشرت پر کیوں بات چل رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, بات چل رہی تھی کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. نیت اگر ہماری درست ہوگی یاد رکھیں اس عمل کے اندر جان آئے گی. لیکن قیامت کے دن آپ پڑھتے ہیں حدیث آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا. بخاری شریف کے آخری حدیث کا درس ہوتا ہے ہمارے مدارس میں اور اس میں تفصیل سے ہمارے بزرگ علماء مشائخ بیان کرتے ہیں کہ بھئی عمل تولے جائیں گے, عمل وزنی ہوں گے, کسی کے عمل ہلکے ہوں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ عمل ہلکے اور وزنی کیوں ہوتے ہیں. دو افراد نے ایک ہی عمل کیا, مثال کے طور پہ دو افراد نے نماز پڑھی, ایک کی نماز بہت وزنی ایک کی نماز ہلکی, دو افراد نے صدقہ خیرات کیا, ایک کا بہت اعلیٰ مقام اور ایک کا صفر مقام, ایک ہی عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک میں اخلاص ایک اخلاص سے خالی. علماء نے اس کی مثال ایسے لکھی ہے کہ دیکھیں اگر ایک بوری ایسی ہے کہ جس میں کوئلے ہیں اور وہ بہت بھری ہوئی ہے اور ایک ہیرا ہے, وہ ہیرا اتنا چھوٹا سا ہے, کیا کون سی چیز قیمتی اور مہنگی ہے؟ ہیرا بہت قیمتی, اس کا اس سے کوئی نسبت اور جوڑ نہیں. حالانکہ ہیرے کا ظاہری جو جسم ہے جسامت ہے تو اس کو بہت معمولی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھیں وہ چیز لوہا ہے یا کوئلہ ہے وہ منو ٹنو وزنی ہے, لیکن قیمت میں زمین آسمان کا فرق. تو فرمایا وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہو اس کی مثال ہیرے کی ہے, وہ ہیرے کے مول لیا جائے گا, اور وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہو تو کوئی کوئلے کے مول لیا جائے گا, کوئی مٹی کے بھاؤ لیا جائے گا, کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوگی. تو یہ عمل کا ہلکا اور وزنی ہونا جو ہے یہ نیت کے بقدر ہے کہ نیت کیسی ہے. نیت اچھی ہوئی عمل کا بہت زیادہ وزن ہوگا, نیت فاسد ہوئی نیت کمزور ہوئی, نیت میں کچھ دکھاوے کا جذبہ ہوا وہ عمل بالکل بے وزن ہوتا جائے گا. پھر نیت کے بقدر آہستہ آہستہ وہ بے وزن ہوگا.
جس قدر نیت فاسد ہوگی. تو جس قدر اخلاص زیادہ اس قدر اجر زیادہ. اجر میں بھی فرق ہوتا ہے نا, یہ بھی اس وجہ سے ہے. دو افراد نے ایک جیسا عمل کیا, ایک کو اللہ پاک نے بڑا اجر دیا, ایک کا کوئی اجر نہیں, تو یہ کم زیادہ اجر یا اجر سے محرومی اور بہت زیادہ اجر, یہ اخلاص کی وجہ سے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک انسان کی نیتوں کو اور دل کے حالات کو دیکھتے ہیں, ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. کہ ظاہری شکل و صورت خوبصورت ہے تو اس کو بہت اجر ملے گا, کسی کی ظاہری شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو اس کا اجر کم ہے. ظاہر پر فیصلے ہوتے, دنیا سے ابو جہل ناکام نہیں جاتا, ابو لہب ناکام نہیں جاتا, بڑے خوبصورت تھے, سرخ سفید اور بڑے اونچے لمبے چوڑے. ظاہر پر فیصلے ہوتے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے کامیاب نہیں جاتے. اللہ پاک نے جنت کی, حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی کہ بلال حبشی کے جنت کے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے, حالانکہ ظاہری شکل و صورت حبشہ کے رہنے والے. حضرت سلمان فارسی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں, فارس کے رہنے والے. معلوم ہوا کہ یہ فیصلے یہ دل کی نیتوں پر ہے, یہ ایمان کی بنیاد پر ہے, یہ ظاہر کی بنیاد پر نہیں ہوتے. ورنہ ابو لہب, ابو طالب, یہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے, تو فیصلے نیت پر اور دل کی حالت پر ہوتے ہیں. تو آج عرض کرنے کا بس مقصد یہ ہے, عمل کریں تو اس کی حفاظت کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس وقت خلیفہ وقت تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک لسٹ رکھی ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے, اور اس میں مدینہ منورہ کے یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, بے سہاروں کے نام ہیں, اور ہر ایک کے سامنے ایک کا نام ہے کسی کا کہ یہ ان کی خدمت کرے گا, یہ ان کی خدمت کرے گا, یہ ان کی خدمت. یہ خلافت راشدہ کا نظام تھا. ایک بوڑھی عورت کا نام دیکھا, اس کے سامنے کسی خادم کا نام ہی نہیں تھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بھائی ان کے سامنے کسی کا نام نہیں ہے خدمت کے لیے, تو یہ ارادہ دل میں کیا کہ اس بوڑھی عورت کی خدمت میں کروں گا, کیونکہ اس کی کوئی خدمت کا نام ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلی صبح گئے, دروازہ کٹکھٹایا, بھائی کون ہے؟ کہا کہ عمر خدمت کے لیے آیا ہوں. کہا کہ بھائی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا ہے, کون ہے؟ بھائی نام معلوم نہیں ہے. وہ صبح آتے ہیں, کہتے بھائی پردہ کر لو, آ کے گھر کی صفائی کی, برتن دھوئے, دودھ دوہا, اور ساری صفائی ستھرائی کام کر کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر کو اور تجسس ہوا. اگلے دن اور صبح گئے, پھر معلوم ہوا کہ وہ تو آ کے خدمت کر کے جا چکے ہیں, وہ بھی عمر تھے. تیسرے دن صبح صادق سے پہلے چلے گئے اور جا کے خاموش گھر کے قریب بیٹھ گئے, تو اتنے میں دیکھا کہ کوئی بالکل آہستہ قدموں سے آ رہا ہے تاکہ پیر سے آواز بھی نہ نکلے, آہٹ بھی نہ ہو. قریب آئے تو دیکھا وہ حضرت ابوبکر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے؟ کہا کہ یہ بوڑھی عورت ہے اور اس کی خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں, تو یہ میں روزانہ آتا ہوں اور خدمت کر کے چلا جاتا ہوں. اللہ پاک نے توفیق دی. یہ خلیفہ وقت ہے. اور پھر اس عمل کا اخفاء اتنا کرنا, آج تو اگر ایک غریب کو ہم راشن دیتے ہیں 10 تصویریں ہم اس کی کھینچیں گے کہ وہ بیچارہ, اگر بعض دفعہ تو اتنا یعنی انسان بعض دفعہ شاید شرمندہ ہو کر لے ہی نہیں. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو اللہ پاک کی توفیق سے لاکھوں کروڑوں اربوں کا تعاون کرتے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. ایسے بھی اللہ پاک کے بندے ہیں. لیکن ہم جیسے ایسے کمزور بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی سا کیا پوری دنیا کو اب دکھاتے پھر رہے ہیں, فیس بک پہ لگا دیا, تصویر لے لی, اس کو کہا بھئی یار اس کے ساتھ تو میں کرتا ہوں, میں نے اس کو اتنا راشن دیا, اس دفعہ میں نے اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا. تو یہ چیز یاد رکھے, یہ عمل اور ہمارا یہ کام, یہ ہمارے اس عمل کے اجر کو خراب کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہے, لیکن خدمت کے لیے جا رہے کس طرح ہیں؟ ایسے دبے پاؤں کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو, آہٹ ہی پیدا نہ ہو. یہ حضرات تھے. تو ایسا جب انسان یہ عمل کرتا ہے پھر اس کے اللہ پاک کے اجر ہوتا ہے. آج ہمیں نام و نمود اور شہرت کا جذبہ اس نے ہمیں خراب کر دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن فتح کیا, یہ امیر تھے, کمانڈر تھے.
जब मदाइन फतह हुआ, जंग ख़त्म हुई, मुसलमानों को कामयाबी मिली, तो जैसे माल गनीमत जमा होता है, एक शख्स आया, उसने अपने चेहरे को निकाब से छुपाया हुआ था और उसके हाथ में कोई चीज़ थी छुपाई हुई, ला के ख़ामोशी से हज़रत साद इब्न अबी वक़ास को दी और कहा कि ये मुझे रास्ते में मिला है पड़ा हुआ, ये मैं लाया हूँ। वो उस काफिर बादशाह के सर का ताज था और आपको मालूम है कि वो ताज मामूली नहीं होते थे, वो हीरे जवाहरात से मुजैन, आजकल के हिसाब से अरबों रुपए खरबों रुपए, वो आम ताज तो नहीं होते थे। वो इनको, इस मुजाहिद को मिला पड़ा हुआ और इसने ख़ामोशी से उठा के ला के अपने अमीर और कमांडर के हवाले किया, कोई मामूली चीज़ तो नहीं थी। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि, और हवाले करके वापस जाने लगा, चेहरा भी छुपाया हुआ, कहा अल्लाह के बंदे अपना नाम तो बता दो। उन्होंने कहा जिस ज़ात के लिए किया है वो मेरा नाम जानता है, और फौरन वापस चले गए। तो आज हम भी अगर कोई अमल करें तो हम भी ये जज्बा रख लें कि भई ये मैं उस ज़ात के लिए कर रहा हूँ, वो ज़ात मेरा नाम जानती है, वो वाकिफ़ है कि ये अमल करने वाला कौन है, मैं क्यों किसी मखलूक को बताता फिरूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ और मैं ये भी करता हूँ। आज ये कमज़ोरियाँ हमारे अंदर पाई जाती है और शैतान इसी रास्ते से हमारे अमल ख़राब करने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि किसी तरीके से इस शख्स का अमल अब मैं ज़ाया करवा लूँ। रियाकारी ये बहुत बड़ा फितना है और हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि रियाकारी की तीन अलामत हैं, तीन अलामत लिखी है। कौन सी अलामत है? पहली अलामत ये है कि इंसान जब खुलवत में हो तो सुस्ती हो, सुस्ती गालिब हो, और जब जलवत में हो, लोगों के दरमियान हो, तो फिर चुस्ती हो। मिसाल के तौर पे अब मैं अकेले नमाज पढ़ रहा हूँ तो इस सुस्ती है, दो रकात भी मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ ली, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पढ़ रहा हूँ, दो चार आठ अफराद देख रहे हैं, तो मैंने लंबी जो है कि लंबा क़ियाम किया, लंबा रुकू किया, लंबा सजदा किया। एक तो ठीक है, खुदा ना खास्ते इसकी कोई वो नहीं है, एक इंसान कर रहे हैं उसकी दिल की कैफियत वो है कि उसमें कोई रियाकारी नहीं, वो चाहे कितनी लंबी नमाज पढ़ ले कोई हरज नहीं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं दिखलावे के जज्बे से अब यहाँ लंबी नमाज पढ़ रहा हूँ और घर में बड़ी मुख्तसर पढ़ ली, ये फिर बीमारी की अलामत है। ये इस बात की अलामत है कि भाई मेरे अंदर रियाकारी, फिर मुझे इसकी इस्लाह करनी है। तो एक अलामत ये है कि खुलवत में इंसान पर सुस्ती हो तन्हाई में, और जुलवत में जब लोगों के दरमियान है तो उस वक्त चुस्ती है, फ़र्क है दोनों कैफियतों में। इसी तरीके से दूसरी अलामत ये है कि इंसान दुनियादारों से तारीफ़ का मुतमन्नी हो, कोई अमल कर रहा है तो चाह रहा है कि भाई ये जो आदमी है मेरी तारीफ़ कर ले, सामने वाला तारीफ़ करे, फिर ख़ास तौर पर दुनियादार से। वो शख्स जिसका जो दुनिया परस्त है, जिसमें दीनदारी नहीं है, उसके हर चीज़ का मेयार दुनिया है, उससे तारीफ़ चाहता हूँ, या ऐसे तबके से कि जो तबका दुनिया परस्त या दुनियादार है, ये उससे तारीफ़ चाहता हूँ अपने अमल की। तारीफ़ हो खुश हो जाए, तारीफ़ ना हो ये गमज़दा हो जाए। तो जो अमल कर रहा है फिर ये चाहता है अब कि किसी तरीके से मेरी तारीफ़ हो जाए। और तीसरी अलामत हमारे बुज़ुर्गों ने ये लिखी है कि खुदा ना खास्ता अगर इसके किसी काम पर इसको मलामत किया जाए तो ये उस दीनी काम को मलामत की वजह से छोड़ दे, छोड़ बैठे। किसी ने कहा, मिसाल के तौर पे एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि भई अल्लाह पाक ने तौफीक दी, पहले नमाज नहीं पढ़ता था कोई, अब नमाजी बन गया अल्लाह पाक की तौफीक से, या दाढ़ी रख ली बाशरा हो गया। भाई किसी ने कहा तुमने क्या है, तुम मुल्ला बन गए हो, सारा दिन मस्जिद जा रहे हो, दाढ़ी रख ली मुल्ला हो गए। उसने कहा भाई कल से मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, खुदा ना खास्ता अलियाज़ु बिल्लाह, या इसने जाके सुन्नत क्या कर ली, ख़त्म करवा दी। तो मालूम हुआ कि ये अमल था रियाकारी के लिए, अल्लाह के लिए नहीं था, ये मखलूक के लिए था। किसी ने अगर इस पर तनकीद की तो इसने जाके वो सुन्नत चेहरे से हटा दी, किसी ने तनकीद की तो इसने मस्जिद की नमाजें छोड़ दी, किसी ने तनकीद की तो इसने दीनी हलके के साथ जुड़ना छोड़ दिया, किसी के कहने पर, किसी की मलामत पर। इससे ये अंदाज़ा हुआ कि भाई ये अमल तो अल्लाह के लिए था ही नहीं, और न मैं क्यों दीन का काम छोड़ूँ किसी के कहने पर।
कोई अगर मेरे कहने पर गलत काम नहीं छोड़ रहा, गुना नहीं छोड़ रहा, मैं किसी के तंस पर नेकी छोड़ दूँ, मैं किसी के तंस पर अपना दीनी हुलिया छोड़ दूँ, मालूम हुआ कि भाई ये तो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए था ही नहीं, ये तो रियाकारी की बुनियाद पर था। तो ये तीन अलामत हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी है। इसी तरीके से तीन इंतहाई कीमती नसीहतें हमारे बड़ों ने लिखी है, जिसमें से एक बात यह है, इंतहाई दिल के कानों से सुने। पहली बात यह है कि जो शख्स अपना बातिन सवार लेता है, अल्लाह पाक उसके ज़ाहिर को सवार लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी, जो अपने दिल को सवार लेता है ना, कल्बी कैफियत को, अल्लाह पाक उसके सारे ज़ाहिर को सवार लेते हैं, उसके सारे काम मामलात वो बन जाते हैं। होता है ना, हम कहते हैं मेरे ये काम भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी रुका हुआ, ये भी रुका हुआ है, क्यों? अंदर कल्बी कैफियत ख़राब है। तो जो अपने बातिन को सवार लेता है, अल्लाह पाक उसके ज़ाहिरी मामलात सवार लेते हैं। नंबर दो, जो बंदा अपनी आखिरत सवार लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया सवार लेते हैं। अगर किसी ने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली, कोई ज़िम्मे क़ज़ा नमाज नहीं है, क़ज़ा रोज़ा नहीं है, क़ज़ा ज़कात नहीं है, और मामलात हुकूकुल इबाद लाजिम ज़िम्मे पे नहीं है, किसी के हुकूक नहीं है, आखिरत के लिए तैयार है, आखिरत को तैयार कर लिया, अल्लाह पाक इसकी दुनिया बना देते हैं, मज़े हो जाते हैं इसके, इसका कोई काम रुकता नहीं है, इसको कोई परेशानी होती नहीं है। आप देखते हैं ना, जो आदमी नेक होता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो खुशी खुश ज़िंदगी गुजारता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं होती, परेशानी नहीं, उसके काम अल्लाह पाक कैसे बनाते हैं। और ख़ुदा ना खास्ता अगर मामला ख़राब, मैंने अपनी आखिरत को छोड़ दिया है, उसको नज़रअंदाज किया है, तो याद रखे दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। फिर इंसान एक मुश्किल से नहीं निकलता, दूसरे में फंसता है, दूसरे से नहीं निकलता, तीसरे में फंसता है, सारी ज़िंदगी उसकी परेशानियों में और रोने धोने में गुजरती है। और तीसरी अहम बात, जो बंदा खालिक से ताल्लुक अच्छा कर लेता है, अल्लाह पाक मखलूक से ताल्लुकात सवार देता है। समझ गए ना, अल्लाह पाक से ताल्लुक दुरुस्त कर लिया तो बंदों से ताल्लुक अल्लाह पाक खुद दुरुस्त कर देता है, बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है। लेकिन आज देखते हैं ना, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, इससे इख्तलाफ, उससे इख्तलाफ, भाई से बातचीत बंदे, चचेजाद भाई से बंदे, मामू से बंदे, बहन से बंदे, बाज़ मरतबा वालिदैन से ताल्लुक अच्छा नहीं है, खुदा ना खास्ता। तो ये क्यों है? इसलिए कि हमने अपने रब से ताल्लुकात ख़राब कर दिए गुनाहों की वजह से। जब अल्लाह पाक से ख़राब किए, अल्लाह पाक ने बंदों से हमारे ताल्लुकात बिगाड़ दिए। वो कहे ना, भैया मैं इसको इतना खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुश ही नहीं हो रहा, वो कैसे खुश होगा? मैंने अपने खालिक को नाराज़ किया, जब खालिक को नाराज़ किया, मखलूक बतरीक़े ओला नाराज़ होगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी कर लें नहीं हो सकता। ये अल्लाह पाक आपस में फिर दिल में नफ़रत पैदा कर देते हैं, क्यों? अल्लाह पाक से मैंने ताल्लुक़ ख़राब किया। आज हम देख लें, हम अपने खालिक से ताल्लुक़ जोड़ कर देख लें, आप देख लें बंदों से ताल्लुक़ कैसे जोड़ते हैं, कैसे इत्तेहाद और इत्तेफाक़ पैदा होता है या पैदा नहीं होता। तो ये तीन बातें जो मैंने अर्ज़ की, ये पत्थर की लकीरें हमारे बड़ों ने लिखा। इसी तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा कि ये जो बदनीयती है, नीयत का फसाद है, ये दिल की स्याही का बाइस है। हमेशा अपनी नीयत को साफ रखें। आज ये मुसीबत है हमारे साथ। और याद रखें, बदनीयत इंसान के रास्ते हमेशा बंद रहते हैं। और जो आदमी अपनी नीयत को सही रखता है, साफ नीयत वाला होता है, अल्लाह पाक उसके रास्ते खोलते हैं, गैबी इंतज़ामात उसके लिए होते हैं। आज मुसीबत ये है ना, हम अपने दिल में बदनीयती रख रहे हैं, बस इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, अब इसके साथ बुरा हुआ मुझे खुशी हो रही है, भाई फलां जो है इसके साथ इसका तो कारोबार ही ख़त्म हो जाए, अच्छा है, इसका सौदा हो रहा है पार्टी के साथ, ना हो तो अच्छा है, हालांकि मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन मैं दिल में खुश हो रहा हूँ कि नहीं हो, ये चीज़ मेरे लिए नुकसान का बाइस है, दिल की स्याही का बाइस है। मैं क्यों एक मुसलमान के नुकसान पर क्यों खुश हो रहा हूँ? मैं अपने मुसलमान भाई के नुकसान पर क्यों खुश हो रहा हूँ? मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है? लेकिन आज देखें, ये नियतें हैं या नहीं? आज हम एक दूसरे के दर पे हैं, दर पे हैं, बस मुझे कोई ख़बर सुनने को मिल जाए और फिर जो है मैं ऐसे ऐसे करूँगा। आज हम दूसरों के माल, दूसरों की जान,
अल्लाह हिफाजत फरमाए, दूसरों को इज़्ज़त तक के इंतज़ार में बैठे, इसकी बेइज्जती हो जाए, इसको माली नुकसान हो जाए, इसको जानी नुकसान हो जाए, इसको ये हो जाए, भाई क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, बस मैं दिल में खुश हो जाऊँगा। ये तो ईमानी तालीमत है ही नहीं, बल्कि किसी काफिर के नुकसान पर भी मुसलमान खुश नहीं होता बिला वजह बिला मकसद। फिर चे जाए कि वो मुसलमान है, चे जाए बाज़ दफ़ा सगे भाई हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका गाहक तोड़ दूँ, बराबर में दुकान है, मैं कोशिश करूँगा इसको नुकसान पहुँचाऊँ, इसको बदनाम कर दूँ, इसका कारोबार ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, इसके लिए मैं झूठ भी बोलूँगा, इसके लिए मैं तोहमतें भी लगाऊँगा, उसको बदनाम करने की भी कोशिश करूँगा। भाई चलो और कुछ नहीं हुआ, चलो भाई किसी आमिल के पास चलते हैं, कोई बंदिश का तावीज़ करवा दो। आज का मुसलमान इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है, और ये फर्जी किस्से नहीं है, ये हकीकत है। आज हम इन जाली आमिलों के पीछे फिर कर अपना माल अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। भाई कोई किसी तरीके से कुछ सहर करवा दो, कुछ जादू करवा दो, कुछ अमल करवा दो, कुछ बंदिश करवाओ, मुझे क्या फ़ायदा है, बस इसको नुकसान पहुँच जाए। ये वाक़ियात है या नहीं? तो ये सहर और ये तो कुफर है, इससे तो इंसान नहीं मोमिन नहीं रहता, मुसलमान नहीं रहता। तो बहरहाल बस खुलासा ये है, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपने दिलों को साफ़ रखे, अपनी नियतों को साफ़ रखे। हदीस में है ना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का दारोमदार नियत पर है, और हर इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने नियत की है। क्या मतलब है इसका? नियत अच्छी है फल अच्छा मिलेगा, नियत बुरी है अंजाम बुरा होगा। ये तो इंसान समझता है ना कि मैंने नियत बुरी रखी कुछ नहीं होगा, फैसले तो ऊपर से होते हैं। क्यों? नियत देखने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, फैसले फिर अल्लाह पाक ऊपर से करते हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान बेबस होता है। तो ये हमारे अपने हाथ में है, अपनी नियतों को आज हम दुरुस्त कर लें। किसी के लिए बुरा नहीं सोचे हम, क्यों किसी के लिए बुरा सोचे? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर उसका खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए, उस बेचारे के साथ कोई बुराई पेश आए, मैं क्यों खुश हूँ? तो हम अपनी नियतें, मैं यहाँ अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज हम अपनी नियत दुरुस्त कर लें, खुली आंखों से देख लें कि हमारे रास्ते खुलते हैं या नहीं। हमने अपने रास्ते खुद बंद किए हैं अपनी बदनीयती की वजह से, अपने फसाद नियत की वजह से। तो बस अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो अमल करे, छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई दिखलावे का जज्बा नहीं रखे। मखलूक क्या वाह वाह कर लेगी, दो चार दिन, दो चार आठ अफराद तारीफ़ कर लेंगे, लेकिन आखिरत में महरूमी है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए किया, ठीक है, दिल बहुत कह रहा है कि भाई किसको बताओ, इनको बता दो, इनको बताओ, दिल पे जबर कर लो, नहीं बताएं किसी को, बस जिस खालिक के लिए किया है, जिस ज़ात के लिए किया है, उसे मालूम है। दिल पे तो आ रहे चलेंगे, लेकिन आखिरत में फिर हम जो अजर पाएंगे और जो अजर देखेंगे वो बेहिसाब होगा। और इसी तरीके से आखिरी बात, अपनी नियत को हमेशा साफ रखें, किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, बदनीयती नहीं रखे, नियत को साफ़ रखें। आप देखें कि कैसे अल्लाह पाक आसमान से बरकतों के फैसले फरमाते हैं, रहमतों के फैसले फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक मुझे भी और सब हजरात को सही अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ वक्त के लिए इंशाअल्लाह भी मशाइख के खत्मात शरीफा पढ़े जाएंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद मुख्तसर ज़िक्र होगा, फिर दुआ होगी। साथी अपने अपने कार्ड निकाल कर रख लें, और जिन साथियों को अगर आज चाहिए तो कार्ड मिल जाएंगे, हाथ उठा लें। कार्ड की ज़रूरत है तो हमारे ये साथी हैं, कार्ड वसूल करके अपने पास महफूज रख लें। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين। तमाम हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ضوب عليهم व الضالين।
नहीं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت حميد مجيد ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حميد مجيد سات مرتبہ پڑھیں اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات سات مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات سات مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات سات مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض سات مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات سات مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات سات مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد تین مرتبہ پڑھیں يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حميد مجيد تین مرتبہ پڑھیں ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر
एक बार दबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تین مرتبہ پڑھیں الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل محمد اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم حميد مجيد یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے محدثین مفسرین فقہا ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے اعزہ کو اقربا کو تمام امت مسلمہ کو اپنے تمام محسنین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جاہری کریں گے اور جو آپ سمجھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد جہر معتدل ہے یہ ذکر بالجہر یا اعتدال کے ساتھ ہو کہ اپنے کان تک آواز جائے اتنی اونچی آواز سے نہ ہو کہ مسجد میں شور کی کیفیت پیدا ہو تو پہلے انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر جاہری کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر خفی مراقبہ ہوگا اور دعا ہوگی لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम। अब इंशाल्लाह कुछ वक्त के लिए मुराक़बा करेंगे, ज़िक्र खफ़ी। तमाम साथी अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अपने सरों को झुका लें, अपनी आँखों को बंद कर लें, ज़बान को तालू से लगा लें, अपने ख्यालात को यकसू कर लें और अपने दिल में ख्याल करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अनवारात फ्यूज़ात बरकात का नुज़ूल हो रहा है, मेरे दिल में उतर रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं और उसकी बरकत से मेरे दिल से गुनाहों का जंग ज़ुलुमात मैल कुचैल दूर हो रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला जा जिंदगी मदीने से खफा है मना के ला कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार ले बूबकर से कुछ आईने
عشق و وفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا مغرب میں مارا مارنا پھر اے گدا علم دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرا کبیرا ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں لیکن اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں قصدن کیے ہیں اے اللہ غلطی سے ہوئے ہیں جان بوجھ کر کیے ہیں اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ رمضان المبارک کے جو چند لمحات باقی ہیں اس کی ایک ایک ساعت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ مشائخ کی دوست احباب ہماری اولادوں کی ہمارے اعزہ کی تمام مسلمانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دے اے اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہے
जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला है, ए अल्लाह सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। जो मकरूज़ है गैब से कर्ज़ों की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। इस वबाई सूरत हाल से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। हमारे मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, दावत व तबलीग की, हमारे हलाल रिज़्क़ तिजारत काम कारोबार की हर चीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमा दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान माल ईमान सेहत इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल है, जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला है, ए अल्लाह सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह हमारी इस मस्जिद को क़यामत तक के लिए कबूल फरमा ले। यहाँ जितने सिलसिले चल रहे हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, इख़लास की दौलत नसीब फरमा ले। यहाँ कायम मदरसा खानका और जितने शोबे हैं अल्लाह सब में इख़लास की दौलत नसीब फरमा दे। सब शोबों की तरतीबों की हिफाजत फरमा दे। सबको तरक्यात नसीब फरमा दे। मस्जिद मदरसे तमाम शोबों में वसात के गैब से असबाब पैदा फरमा दे। पूरे दुनिया में अल्लाह जहाँ मसाजिद हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, खानकाएँ हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दे। जितने हमारे मुसलमान भाई एहतिकाफ़ में बैठे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ बैठे हैं, सबके एहतिकाफ़ को कबूल फरमा ले। सब की नेक दुआओं में हमारे भी हिस्से फरमा दे। जितने बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, जिस्मानी बीमार है, रूहानी बीमार है, अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह हम सब की दुश्मनों से, बागजीन से, मुफसिदीन से, हासिदीन से, शरारतियों से, जादू से, सहर से, आसेब से, असरात बद से, नजर बद से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जितने अमवातुल मोमिनीन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह सब की मगफिरत फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से, फजल व रहमत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। हमारे एक मुखलिस साथी हैं, मस्जिद के बहुत खिदमत करते हैं, उनके पोते बीमार हैं, दुआ फरमाए अल्लाह पाक उनके पोते को सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह उनकी जो बीमारी है, जहनी सलाहियतों को अल्लाह पाक दोबारा से बेदार फरमा दे। तमाम सेहत के ख़जाने अल्लाह पाक के हाथ में है, अल्लाह पाक के लिए आसान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व असहाबीही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।